लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों के काम आए जो, दुश्मनों के रंग उड़ाए जो, उलझनों को सुलझाए जो, राजा रैंचो, राजा रैंचो, राजा रैंचो। देखिए तो इनके नए ढंग लाए जहां में नए रंग, मस्तियों में झूम के मंजिलों को चूम के चले जमाना इनके संग। मेरे शरीर को ढूंढने की कोशिश कर। देख जितनी जल्दी मेरा शरीर मिल जाएगा ना, उतनी जल्दी ये आत्मा उस शरीर में चली जाएगी और मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन इन सब में गड़बड़ हो गई। राजा की लाश को तो कोई और लेकर चला गया। हैं? शीला मौसी क्या कर रही हैं आप? अरे कागजात इस बदमाश के हाथ में मत देना, वरना ये तो कुछ का कुछ कर देगा, सत्यानाश कर देगा ये। शीला मौसी ये असली राजा नहीं है। 50% का पार्टनर विनाश मर चुका है। अब करोड़ों रुपए की संपत्ति का मैं अकेला मालिक हूँ। बोला कि उसके पास राजा की लाश है। क्या? कोई बात नहीं भैया। हाँ, मुझे मालूम था कि तुम जरूर हाँ करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। नहीं नहीं, ये अच्छा कर जाने दो, लड़ाई करने से क्या फायदा है। अजगर करे न चाकरी, तुम मुझे ये बताओ कि राजा की लाश कहाँ? रामानंद वैद्य के पास। सुना यमदूत भाई, अब हमें रामानंद वैद्य के यहाँ जाना है। चलिए। मनुष्य, अब तुम्हें तुम्हारा शरीर मिल जाएगा और तुम उसमें प्रवेश कर जाओगे। वाह, तभी तो मैं इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचा सकूंगा। मनुष्य, तो अब मैं चलूं? यार तुम कमाल के आदमी हो, तुम्हें हमेशा जाने की जल्दी पड़ी रहती है। देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि एक बार ये आत्मा अपने शरीर में प्रवेश कर जाए फिर तुम जा सकते हो, कौन रोकता है तुम्हें? देखो मनुष्य, मैं एक ही आत्मा के पीछे इतना समय लगा दूंगा तो दूसरी आत्माओं को क्या होगा? तुम छोड़ो इन बात। अरे देखो, ये रहा रामानंद वैद्य का घर, आओ जल्दी मेरे साथ। वैद्य जी से मिलकर पता चलेगा ना कि मेरी बॉडी कहाँ है। मनुष्य, वो देखो वो लोग भी आ गए। बहुत अच्छा हुआ यमदूत जी, जो ये लोग भी यहां चले आए। वैद्य जी, कहां है मेरी अमानत, राजा की लाश? वैद्य जी, योगासन बाद में कीजिए, पहले ये बताइए कि राजा की लाश को छुपाकर आपने कहां रखा है। वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी, ये तो मर गया। किसने मार दिया इसे? मैंने भी मैनेजर का अहदा संभालते हुए शीला जी की करोड़ों की प्रॉपर्टी को छुपा दी, लेकिन शीला जी ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया। नो। और इस प्रॉपर्टी का असली हकदार अविनाश जो मर गया, और राजा यानी कि असली राजा जिसकी लाश मेरे कब्जे में है। तो मिस्टर नकली राजा, तुम्हारा नकाब निकाल दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ
क्या सलूक किया जाए? मुझे तो बस इतना बता दिया जाए कि तुम्हें क्या चाहिए। बहुत छोटी सी चीज, प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा, दैट्स ऑल। अकबर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। ठीक है, मंजूर है मुझे, लेकिन ये बताना होगा तुम्हें कि राजा की लाश कहाँ है। नकली राजा, वो तो मैं तुम्हें अपना हिस्सा मिलने के बाद ही बताऊंगा, क्योंकि तुम बड़ी शातिर चीज हो। बिल्कुल ठीक महेंद्र, मैं तुमसे सहमत हूँ, क्योंकि इस आदमी पर एकदम भरोसा कर लेना सरासर बेवकूफी है। ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। मुझे जाकर शीला मौसी से कागजात पर दस्तखत लेने होंगे। और यदि तुम्हारी शीला मौसी ने उन कागजात पर दस्तखत करने से पहले उन्हें पढ़ना चाहा तो? हाँ, अगर उसने कागजात में हमारा नाम देख लिया तो वो कभी साइन नहीं करेगी। फिर क्या करोगे तुम? करेगी, जरूर करेगी। ऐसे नहीं करेगी तो खंजर के जोर पर दस्तखत करवा दूंगा मैं उससे, और उसके बाद तो फिर। सही है, सही है, ये नकली राजा बहुत शातिर चीज है, मैंने कहा था ना। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है, ये किन हालात में ला खड़ा किया है तूने मुझे। अभी थोड़ी देर बाद कागजात पर दस्तखत के लिए भोली भाली निर्दोष शीला मौसी का मर्डर कर दिया जाएगा, और मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। मैं क्या करूं? यमदूत भाई, मैं किसी को छू सकता हूं? हाँ जरूर, अगर बहुत ही गहराई के साथ महसूस करके छूओगे तब। अगर इससे क्या होगा? होगा यमदूत भाई, होगा। इस समय अपनी भोली भाली निर्दोष शीला मौसी की जान बचा सकूंगा। वो कैसे? देखो यमदूत भाई, मैं उन लोगों के पास जाऊंगा, वहां तो मुझे कोई देख नहीं सकेगा, इसलिए मैं वो कर सकूंगा जो मैं चाहूंगा। वाह, क्या तरकीब है। ध्यान से, हाँ, तुम दोनों लोग यहीं रुको, मैं अभी शीला मौसी से अपना काम करा के और उनका काम तमाम करके वापस आता हूँ। पता नहीं अविनाश को किसने मारा होगा। राजा, अविनाश का कातिल पकड़ा जाएगा ना? हाँ मौसी, अविनाश का कातिल जल्दी पकड़ा जाएगा। इस बार तो अविनाश के कातिल को पकड़ने के लिए मैंने ऐसा नायाब जाल बिछाया है कि वो बच के कहीं जा ही नहीं सकेगा। लेकिन मौसी, आपको कुछ कागजात पर दस्तखत करने पड़ेंगे उससे पहले। किन कागजात पर? चित्रा जरा। मैं पढ़ लूं? मौसी, आपको अपने राजा पर भरोसा नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, मैं साइन करती हूँ। आप साइन क्यों नहीं कर रही हैं? राजा, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई मुझे साइन करने से रोक रहा है। आपसे हमें ऐसे मजाक की उम्मीद नहीं थी, और फिर ऊपर से आप अपने अविनाश के कातिल को पकड़वाना चाहती हैं। साइन तो कीजिए आप।
ये क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया राजा, कोई अदृश्य शक्ति मुझसे करवा रही है ये। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, जल्दी से साइन करो इस पर। तुमने मुझसे इस तरह से बात करी, मैं साइन नहीं करूंगी। तुम साइन करती हो कि तुम मेरे राजा नहीं हो सकते। तू मार रहा उसे लगता है? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसे लगा। यार वाकई में कोई से मार रहा है? हाँ नहीं, रुक जा, कुछ देर रुक, ऐसे जाना ठीक नहीं रहेगा। हाँ अविनाश, तुम जिंदा हो? लेकिन हाँ शीला मौसी, लेकिन तुम्हारा तो खून हो चुका था। मैं जिंदा हूं, तुम्हारा अविनाश जिंदा है, मगर तुम्हारा राजा मर चुका है। मैं मरा नहीं था, मरने की एक्टिंग कर रहा था। मैं अभी जाकर पुलिस को सब कुछ बता देती हूँ। तुम बताने के लिए जिंदा रहोगी तो अपना। चल देखते हैं, चल चल चल। तो हमने मजा चखा लिया, लेकिन अब मेरे शरीर का क्या होगा? मेरे शरीर का क्या होगा? हाँ रेंचो, देखा है अंतुल जी, मैं ना कहता था कि रेंचो जरूर कोई कमाल दिखाएगा। देखिए रेंचो मेरा शरीर यहां ले आया है। मनुष्य हाँ, अब शीघ्र करो अपने शरीर में प्रवेश करो। हाँ अंतुल जी। मनुष्य जाने फिर कब मुलाकात। हाँ क्यों नहीं, किंतु जी
यमराज जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। हाँ बिल्कुल। अब शरीर में जाने के बाद तो मैं आपको देख ही नहीं सकूंगा, इसलिए जयराम जी की। अरे राजा, तुम जिंदा हो गए, कितनी खुशी की बात है। हाँ मौसी, सच्चाई कभी नहीं मरती। खत्म होना चाहिए गुनाह, वरना अविनाश की चाल और चित्रा की गोलियों ने तो मुझे खत्म ही कर दिया था। अब तुम दोनों की जगह हवालात, तैयार हो जाओ, तुम दोनों को कानून के हवाले कर दूंगा। ए, चलो 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 चले। सर, ये दोनों भागे जा रहे थे और हमें ये भी पता चला है कि इसने रामानंद वैद का खून किया है। इंस्पेक्टर सर, इन दोनों के साथ साथ चित्रा और अविनाश को भी हवालात में पहुंचा दो, वही जगह है इन गुनाहगारों की। चलो 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 हवलदार। सर पार्टनर, तूने तो वाकई कमाल कर दिया। हम दोनों की यारी सदा अमर।